गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं बहुत 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 अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और दोस्तों, ये ना मेरे देवर की शादी की तैयारी वाली वीडियो है और मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ कि मैं ये एक साल बाद शेयर कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि तब जो है वो कुछ कारणवश मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी और ये जो है एक साल पुरानी वीडियो है। पर उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। और ये ना जिस जिस पार्लर में मैं गई थी वो साक्षी में है ये पार्लर। तब इस पार्लर का नाम था कैबिनेट ऐसा था और अभी इसका चेंज होके फैमिली सैलून हो गया है। पहले था वो कैबिनेट का नाम था इसका और ये साक्षी में है दोस्तों। आप लोग जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और ये जो है नज़दीक, मेरे घर से तो नज़दीक है, आप लोग अपना देख लेना। और ये मेरा फाइनल लुक इस तरह का है। तो मेरे पास फ़ोटो मेरी सिंगल नहीं थी इसलिए मैंने मेरी दीदी के साथ का डाल दिया है। और ये चर्च के अंदर का सीन है दोस्तों। चर्च में सारे विधि विधान के साथ बहुत अच्छे से शादी हुई। बहुत सारे जो वचन होते हैं जो एक दूसरे को दिए जाते हैं, वो सारे कुछ देने के बाद यहाँ पे जब उसको सिंदूर डाला जा रहा था तब मैंने टिश्यू से इस तरह से कवर किया ताकि उसके फेस में ना लगे, मेरी जो देवरानी है उनके। और सब अच्छे, जैसे बाकी का मुझे नहीं पता बाकी के कल्चर में कैसा है क्या है, लेकिन हमारे में है कि वचन दिए जाते हैं एक दूसरे को और उसके बाद फिर पादरी साहब दोनों को ब्लेस करते हैं और बहुत अंगूठी एक दूसरे का एक्सचेंज की, मतलब एक दूसरे को अंगूठी पहनाया जाता। और ये मेरी अंगूठी की थाल थी जिसे मैंने गुलाब के पंखुड़ियों से सजाया था। और शादी कंप्लीट हो जाने के बाद इस तरह से चर्च के बाहर आके उन लोग सीढ़ियों में खड़े हुए थे ताकि हम लोग उनको बधाई दे सके। जितने भी मेहमान थे सभी लोग उन लोगों को अच्छे से बधाई देने के बाद फिर इधर ये जो है थोड़ा सा हमारे इसका हमारे कल्चर में क्या होता है ना दोस्तों कि बिना नाच गाने के हमारा शादी कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो बाहर निकलने के बाद वहीं पर चर्च के बाहर ही फिर हम लोगों का नाच गाना स्टार्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे बस ये बस हल्का सा ट्रेलर टाइप का है। मेन तो अभी रिसेप्शन में होगा जब हम लोग जाएंगे लड़की के घर, वहाँ पे आज रिसेप्शन है। उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग दुल्हन को विदाई करके लेके आएंगे। तो यहाँ पे ये मेरे जीजाजी हैं जो हम लोगों को हमेशा आगे आगे लेके आते हैं। मीन्स ये नाचना गाना जो भी है ना, जितना भी क्या कहें उसको, मतलब मेरे पास वर्ड ही नहीं मिल रहे हैं। और दोस्तों ये है, ये पहुँच गया है यहाँ का रिसेप्शन का। और ये जो लाल साड़ी में दिख रही है ना दोस्तों, ये हूँ मैं। और मेरा वेट इतना बढ़ गया था कि मैं क्या बताऊँ, मेरा शरीर मुझसे खुद हिलाया नहीं जा रहा था। लेकिन भाभी होने के नाते और विशेषकर बड़ी भाभी होने के नाते, मतलब इन लोग तीन भाई है ना आप लोगों को पहले से भी पता है, और मैं बड़ी हूँ तो उस नाते भी मुझे तो नाचना ही पड़ेगा ना। तो मैं लगी पड़ी हूँ, मैं खूब कोशिश कर रही हूँ दोस्तों कि मैं अपने शरीर को थोड़ा हिलाऊं, पर ऐसा मुझसे हो नहीं पा रहा था। पर मेरे जीजाजी कहाँ मानने वाले हैं, वो चलो चलो नाचो करके, पर किसी तरह से चलो निपटाना था सो निपटा दिए। और इसके बाद फिर विदाई में भी बहुत लेट हो रही थी और उन लोग जल्दी विदाई नहीं दे रहे थे, तो हम लोग खा पी के अपना खाना हजम करने लगे। और मेरे जीजाजी ना, मैं क्या बताऊँ, बिना नचवा के तो आप लोगों को छोड़ेंगे ही नहीं। तो ये मेरे जीजाजी के साथ खूब मस्ती करते हुए हम लोग, ये बहुत ही यादगार पल है दोस्तों ये हमारे लिए, और जो कि हम लोग तो हमेशा के लिए संजो के रखना चाहते हैं इस पल को। तो ये उसके बाद फिर जब विदाई होगी उसकी वीडियो भी इसी में ही मैं शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, कंटिन्यू देखिएगा। और अब सब लोग जब थक गए दोस्तों तो सब यहाँ कार वार में जा के हम लोग बैठ गए, लेकिन फिर भी विदाई का नाम नहीं मिल हो रहा था। फाइनली फिर विदाई हुआ यहाँ पे। ये जो हमारे समधी पक्ष के लोग हैं ना, इस तरह से हम लोगों को मटका डुलाते, इसमें इसको हमारे कल्चर में सस लड़ुआ बोला जाता है दोस्तों। और इसके अंदर स्वीट्स हैं, कुछ चूड़ा गुड़ और बहुत तरह के पकवान होते हैं अंदर, जिसको लड़की जब मतलब लड़की दुल्हन की ओर से दिया जाता है। और ला के फिर मैं यहाँ पे पूरे बस्ती में फिर उसको बांटूंगी। इसको सास लड़ुआ हमारे कल्चर में बोला जाता है, आप लोग के में कैसा है नहीं पता। और इस तरह से फिर दुल्हन को अभी विदाई मिल चुका है और ये मेरे देवर हैं एक, वो फिर इस तरह से उनको उठा के कार तक कम से कम, क्योंकि पैदल हम लोग नहीं लेके आते हैं, और वहाँ से घर के चौखट से कार तक इस तरह से दुल्हन को गोद में कंधे में उठा के लेके आए हैं। और यहाँ से फिर हम लोगों की विदाई हो जाएगी। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो भी बहुत पसंद आएगा। तो
पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और आप लोगों को बहुत धन्यवाद, मेरे 500 सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए हैं इसके लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोग इसी तरह से मेरे साथ कंटिन्यू बने रहेंगे मेरे वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।